ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारोग्यम् वंदनाम मृत्योर्मुक्षीम् अमृतात्। इस स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। सावन का महीना सिर्फ भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस बार सावन का महीना पूरे 2 महीने का है। दरअसल आपको बता दें कि इस बार मनमास लग जाने के कारण सावन 59 दिनों का हो गया है। जैसा कि आज पहले सोमवार है, वहीं सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान शिव की पूजा के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। साथ ही इस बार सावन भी बहुत खास बताया गया है। दरअसल इस बार सावन का महीना एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने का होने जा रहा है। महादेव के भक्तों को इस बार उनकी उपासना के लिए 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार मिलेंगे और ऐसा 19 साल में पहली बार यानी 2004 में हुआ था, जब सावन 2 महीने के पड़े हुए थे। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता की ओर, जिन्होंने सिर्फ भक्तों से और पंडित जी से क्या बातचीत की। नमस्कार, ऑल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नीरज भटनागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस समय हम खड़े हैं नीम वाली माता मंदिर में, जो कि आपको बता दें यह आज रावण माह का पहला सोमवार है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे के काफ़ी संख्या में भक्त आ रहे हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं मेरे सामने कितनी भक्त आए हुए हैं। और हम इसमें इस बार सावन का महीना स्पेशल क्यों है, आइए हम लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि इस बार सावन का मंथ क्यों स्पेशल है। भगवान शिव की पूजा होती है क्यों मनाई जाती है? ये तो सदियों से चली आ रही है हमारी परंपराएं। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हम काफ़ी साल से आ रहे हैं। इस बार सावन का महीना स्पेशल क्या है? वो भगवान शिव की पूजा होती है ना। आज सावन में स्पेशल क्या आया? सर स्पेशल से माना जाता है कि भोलेनाथ की सेवा होती है, बहुत नाम रखा जाता है भोलेनाथ का। टावर जाता है बहुत सदियों, बहुत से लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए। कहाँ जाते मंदिर से आ रहा है? मैं दस्ताव से मंदिर से आ रहा हूँ, बहुत नामी मंदिर है माता का। तो ये इस बार सावन माह क्या स्पेशल है इसमें? स्पेशल ये है कि केवल दो महीने आपको पड़ा सावन, दो महीने का नीचे महीने पड़ता है, पाँच नंबर पड़ता है, वहाँ पर बात सोमवार पड़ेगा जो माह। थैंक यू। क्या रहेंगे? बहुत क्या रहेंगे जी। सावन का व्रत किस लिए रखती हैं महिला और आदमी? जी अपने सामान जो भोले बाबा हैं उन्हें के लिए रखते हैं। नहीं रखते हाँ, तो हम चलते हैं कितने सोमवार पढ़ रहे हैं? इस बार 8 सोमवार पढ़ रहे हैं। सर पढ़ रहे हैं ठीक। इनकी पूजा किस लिए की जाती है शंकर जी की? ये सावन माह आदमी है, किसी कोई परेशानी है, कोई घर से परिवार से के लिए अपने अपने। नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा आल लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गौड़ बाबा सिद्ध आश्रम शक्तिपीठ मंदिर पर आए हुए हैं। तो हम जानेंगे कि ये सावन का पहला सोमवार है और हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इसमें क्या खास है। आज आचार्य पंडित विनोद चतुर्वेदी भागवताचार्य, आज सावन का सोमवार है। इस बार 2 श्रावण पड़े हैं, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। लेकिन पुरुषोत्तम मास अभी शुरू नहीं हुआ, ये जो वर्ष में सावन पड़ता है उस सावन का ये पहला सोमवार है। और इस सावन के सोमवार में जो रुद्राभिषेक कराते हैं या जो शिव की उपासना कर सकते हैं या जो शिव पर दूध दही घी शहद शक्कर बिलपत्री दूर्वा आदि चढ़ाते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। घर में आदि व्याधि है, घर में रोग है, घर में कलह है, इन सभी को निवारण के लिए जिस घर में सुमति चाहिए, जिस घर में प्रेम चाहिए, उन्हें भगवान शंकर की उपासना और शंकर की आराधना जरूर करना चाहिए। क्योंकि शंकर के घर में शत्रु रहते हैं। आप देखेंगे शंकर के गले में सांप और शंकर जी के बेटे गणेश का वाहन है चूहा, दोनों रहते हैं लेकिन दोनों प्रेम से रहते हैं। और देखेंगे आप माता पार्वती की सवारी है शेर, लेकिन भगवान शंकर की सवारी है बैल, और बैल और शेर दोनों में भी बैर है लेकिन भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर के कृपा का ये फल है कि वहाँ पर सभी प्रेम, जो प्रेम
और सद्भाव से जीना चाहते हैं उन्हें रुद्राभिषेक करना चाहिए, शिव उपासना करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारोग्यम् वंदनाम मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इसका जप करें। घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें। भगवान शंकर को आप जो भी उनका अभिषेक है, बिलपत्री है, दूर्वा है, समीपत्र है, ये चढ़ाएँ। और 8 सोमवार पड़े हैं, इस बार 2 श्रावण हैं, तो पुरुषोत्तम मास 18 तारीख से प्रारंभ होगा। तो हमारे यहाँ गौड़ बाबा सिद्धाश्रम 20 तारीख से 25 करोड़ ओम नमः शिवाय का जप इसी संत शिव हॉल में, और रुद्राक्ष वितरण और शिवलिंगों का निर्माण, रुद्राभिषेक चलेगा। मैं आर न्यूज के माध्यम से समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्म अनुयायियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी परिवारों को अपने बच्चों के साथ हर श्रावण को, बल्कि पूरे माह में और हर सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें, उनकी पूजा करें और उनसे घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। बोलो शंकर भगवान की जय, महामृत्युंजय भगवान की जय। लोगों से जाना इस बार सावन का माह क्यों स्पेशल है, ऐसी खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल आर लाइव न्यूज़। झांसी से नीरज भटनागर के साथ अंजुम मिश्रा की रिपोर्ट।